बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वेली के लिए है, यूसीएल के लिए। यूसीएल का मैं पार्ट 3 बनाया था, अब मैं इसी पार्ट में एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि आधार यूसीएल में मोबाइल नंबर को लेकर कितना सच है और कितना सच, कितना झूठ, कितनी चीज़ें हैं जो सभी वेली को जानना बेहद ज़रूरी है और ये आपको देखना भी चाहिए और ताकि आपको ये सही जानकारी और आसानी से मिल सके। तो इसलिए YouTube पे बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, तो आप उनमें देखें तो जो उनके इंफॉर्मेशन हैं वो आपके अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए। यानी कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी मोबाइल नंबर के लेकर, तो आप अगर सीसी की गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि नॉट ए लिंकेड आधार बल्कि। तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दी है अपडेट UCL के बारे में, जो 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो ये क्लेरिफिकेशन था कि इंटर कस्टमर एक्टिव मोबाइल नंबर। एक्टिव मोबाइल नंबर का मतलब ये होता है कि आपके पास, यानी कि कस्टमर के पास मोबाइल नंबर वो चालू हालत में होना चाहिए, उस पर मैसेज और उस पर कॉल किया जा सके। यानी कि उसके पास मोबाइल है पर रिचार्ज नहीं है, जिससे कि मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं जा रहे इनकमिंग, तो ये भी ज़रूरी है कि उसका मोबाइल हो चालू हालत में, एक्टिव हालत में हो और उसका रिचार्ज होना ज़रूरी। और अगर किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, पहले से उसके आधार में लिंक नहीं है और वो आपके पास आता है सेंटर पे कि मेरे आधार में नंबर अपडेट कर दो, बट उसके पास कोई नंबर नहीं है, तो शायद आप उसका कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में ये जानना ज़रूरी है कि एक्टिव मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, चाहे वो उसका हो, उसकी फैमिली में किसी एक का हो, तो वो आप डाल के यहाँ पे इसको प्रोसेस कर सकते हैं। और रही बात आगे की, तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि जैसा अभी पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को ये क्लियर कर दिया था कि 2 पॉइंट्स, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक। तो बायोमेट्रिक्स हमारे सीएससी यूसीएल में नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक कर सकते हैं। तो आप अगर बायोमेट्रिक या न्यू मेकिंग, तो ये नहीं किया जा सकता है, तो वो कन्फ्यूज़र मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। अब यहाँ मैं आके आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ी क्लियर कर दूंगा। जो UID के अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक है, उसमें नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल और ईमेल आईडी आराम से आप चेंज कर सकते हैं एज UCL के अंदर। बस ये बायोमेट्रिक 3 चीज़ें नहीं कर सकते, फोटो, फिंगरप्रिंट और आईडी, ये आप हम वेलीज नहीं कर सकते। हाँ, यू इन फ्यूचर अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो शायद हमारे जैसे स्टैटिक IP को प्रॉपर हमारे UCL से लिंक किया जा रहा है, तो इन फ्यूचर अगर हम अच्छा काम करते हैं और हम ही नहीं, हमारे पूरे CC की टीम अच्छा काम करती है वेली, तो आगे चल के हमें इनरोलमेंट का भी प्रोसेस या बायोमेट्रिक का भी दिया जा सकता है। और ये बहुत सारे कंफ्यूजन थी वेलीज की कि सर हमें I5 या पुराने सिस्टम ही यूज कर लो, तो ऐसा नहीं है। UID ने इसलिए आपको बोला कि आप I5 लो, कि इन फ्यूचर अगर उनकी कुछ प्लानिंग होती है तो आपको बार बार सिस्टम चेंज करने का, इंस्टॉलेशन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको वॉक करना होगा। तो अब इसमें जो डेमोग्राफिक है उसमें हम ये कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था उसी तरीके से। तो आप कोई भी सीसी वेली कंफ्यूज ना हो, कोई भी परेशान ना हो इस चीज़ को लेके कि शायद हमारे यहाँ ना हो रहा हो या ऐसा कुछ है, तो कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल क्लियर रहें। डेमोग्राफिक में आप अपडेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक जो UID का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप डेमोग्राफिक हम अलाउ हैं हमारे वेलीज के लिए, तो हम डेमोग्राफिक में सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक डेमोग्राफिक के अंदर होती हैं। अब आते हैं कि हम इन UCL कैन नॉट डू दिस, यानी हम ये UCL के अंदर बायोमेट्रिक को नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये ग्राफ बना के अच्छे से समझा देता हूँ, बिकॉज कि ये, और ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि आगे की क्लेरिफिकेशन दूर हो जाए। जिन VLE ने अपना स्टेटिक IP ले लिया है वो मेल कर दें अपने स्टेट हेड को, ताकि उनकी स्टेटिक IP को वाइट लिस्ट कर दिया जाए। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत आपके लिए थी, मैंने रखी है वेलीज के लिए। लव यू ऑल। और नए हैं आप चैनल पे तो चैनल पे बेल आइकन क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए हर चीज़ को, नॉलेज को पहले जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ज़रूरी है, ताकि आप फिर वीडियो को देख पाएंगे उसमें और आपको नॉलेज प्रॉपर मिल पाएगा। आप वीडियो के स्किप न करें बल्कि वीडियो को कंटिन्यू देखें, वीडियो बहुत छोटी और इन्फॉर्मेटिव होती है। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट के अंदर अपनी राय, अपनी सुझाए, अपना प्रॉब्लम सब शेयर करें एक दूसरे से, ताकि सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम के एक दूसरे से शेयर करके पता लग सके कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन भी निकला जा सकता है। हैव ए
good day and good